हेलो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्नो थ्योरम के बारे में कि कार्नो ने जो इंजन दिया था उसी पे एक बेस्ड थ्योरम दिया था कि कार्नो का थ्योरम क्या बोलता है। वर्किंग बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर नो इंजन कैन बी मोर इफिशियंट देन अ रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम सेम टेम्परेचर के बीच, मतलब जो सोर्स का टेम्परेचर है और जो सिंक का टेम्परेचर है हमारे, उन टेम्परेचर के बीच यदि दो इंजन को रखें जो एक साथ एक ही सोर्स और सिंक से वर्क कर रहे हैं, है ना, तो हमने क्या लिया है, एक इरिवर्सिबल इंजन और एक रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, तो कोई भी इरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी उतनी नहीं होगी जितनी कि हमें रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी मिलेगी। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो सबसे ज्यादा इफिशियंट अगर कोई इंजन है तो वो इंजन कौन सा होता है, रिवर्सिबल इंजन। इससे ज्यादा कोई भी इंजन आपको ज्यादा इफिशियंसी नहीं देता है। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे इसको समझने के लिए कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, और हमको ये चीज प्रूव करनी है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो इरिवर्सिबल इंजन है उसकी इफिशियंसी हमेशा लेस देन होगी रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी से। ठीक है, जैसे हमने अभी थ्योरम पढ़ा कि हमें एक ही सोर्स और एक ही सिंक के साथ दो इंजन कनेक्ट करने हैं, तो मैंने कनेक्ट किया है ये आई जो लिखा हुआ है ये हमारा इरिवर्सिबल इंजन है, और ये जो आर लिखा है वो हमारा रिवर्सिबल इंजन है। ठीक है, तो ये जो आई है जो इरिवर्सिबल इंजन है वो कैसे प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस करेगा सोर्स से हीट लेगा, कितनी हीट ली उसने, Q1 हीट ले ली हम ये मान लेते हैं। इसके बाद इरिवर्सिबल इंजन क्या करता है, जितना भी वर्क में कन्वर्ट कर देता है, वर्क में वर्क हो गया, हमको वर्क मिल गया, इसके बाद जितनी भी हीट बच जाती है वो क्या कर देता है, सिंक को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि Q2 जो हीट है वो उसने Q2 सिंक को रिटर्न कर दी। ठीक है, अब वैसे सेम रिवर्सिबल की प्रोसेस देखें, रिवर्सिबल है चूंकि तो ये प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिंक से हीट लेता है इस तरीके से, है ना, तो इस ये इसने कितनी हीट ली, Q2, क्योंकि सिंक के पास कितनी हीट थी, Q2 ही थी, है ना, Q2 हीट ली, और उसके बाद जो भी वर्क में कन्वर्ट होने के बाद हीट बची, मान लो Q1 बची, तो Q1 हीट को उसने क्या कर दिया, सोर्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमको वर्क मिलता है वो पॉजिटिव वर्क मिलता है, वो कितना मिलता है, Q1 - Q2। ठीक है, क्योंकि सोर्स की से दी गई हीट कितनी है, Q1, और सिंक को दी गई हीट कितनी है, Q2। ठीक है, यहाँ से जो वर्क मिलता है वो हमको नेगेटिव वर्क मिलता है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस उल्टी चल रही हुई है अपनी, है ना, जैसे सिंक से हम हीट ले रहे हैं और वापस सोर्स को जितनी भी बच रही हीट वो सोर्स को दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे W- में लिया है, वो क्या होगा, Q2 जितनी भी हीट ली माइनस जितनी भी हीट आपने वापस कर दी। ठीक है, इसको इस पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, -W = क्या है हमारे पास, Q2 - Q1, Q2 - Q1। अगर मैं यहाँ से W की वैल्यू निकालू तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q1 - Q2। ठीक है, अब हम थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन हमेशा लेस देन होगी इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन के। ठीक है, इफ पॉसिबल, हम इसका उल्टा लेके चलते हैं कि यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम थ्योरम को गलत मान के चलते हैं, है ना, तो क्या होगा, फिर रिवर्सिबल इंजन की जो इफिशियंसी है वो कम होगी और इरिवर्सिबल की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसको इस स्टेटमेंट को अगर हम लेके चले, अगर ये स्टेटमेंट हम प्रूव नहीं कर पाए, इट मींस क्या कि हमारी जो इरिवर्सिबल की इफिशियंसी है वो रिवर्सिबल की इफिशियंसी से कम होगी। ठीक है, तो इसको अभी हम लेके चल रहे हैं, इसको देखते हैं कि किसी भी इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, W/Q1। ठीक है, तो अभी हमारी रिवर्सिबल की जो हीट है वो क्या है, Q1 ही है। ठीक है, वो लेस देन होगी किससे, W/Q1- से। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑब्जर्व हीट कितनी है, Q1-। यहां से हम अगर सॉल्यूशन निकालें तो क्या आएगा कि जो ये Q1- है हमारा वो हमेशा क्या रहेगा, Q1 जो डैश है वो छोटा रहेगा हमेशा, है ना, Q1 से। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इस पूरे जो हमने इंजन ड्रॉ किया है, इस इंजन का पूरी टोटल नेट हीट अगर हम निकालें, मतलब सिंक के पास नेट हीट कितनी है और सोर्स के पास नेट हीट कितनी है। ठीक है, अगर ऐसा निकालते हैं तो देखते हैं क्या आएगा।
ठीक है, निकाले देखते हैं, नेट हीट देख लेते हैं पहले सिंक की, ठीक है। सबसे पहले हम सिंक की नेट हीट देख रहे हैं, तो सिंक के पास नेट हीट कितनी है, सबसे पहले तो इसने Q2 दे दी है ना, Q2 डैश दे दी, तो ये बच्चे हमारे पास Q2 डैश माइनस इसकी नेट हीट कितनी है, तो कितनी निकालेंगे, ये क्या है Q2, यहां लिख लेते हैं पहले कि ये क्या है Q2, ठीक है। क्या निकाला मैंने, सिंक की नेट हीट निकाल रही हूँ, Q2 डैश माइनस में Q2, ठीक है। Q2 डैश की वैल्यू क्या है आएगी मेरी, यहां से अगर मैं Q2 डैश की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, Q1 डैश माइनस W माइनस में, ठीक है। Q2 की वैल्यू निकालू, यहां से निकलेगी Q2 की वैल्यू, तो Q2 की वैल्यू क्या आएगी, ये नेगेटिव है तो ये इधर जाके पॉजिटिव होगा, तो वो क्या आ जाएगी आपकी Q1 माइनस W, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 और प्लस में W, ठीक है, कैंसिल हो गया W से W, क्या आया हमारे पास Q1 डैश माइनस Q1, ठीक है। किसकी नेट हीट आई हमारे पास, ये सिंक की नेट हीट, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे किसकी, सोर्स की, कि सोर्स के पास नेट हीट कितनी बच रही है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ कि जो हमारी सिंक की नेट हीट आई है वो कितनी आई है, Q1 डैश माइनस में Q1, ठीक है। अब हम निकालेंगे सोर्स की, ठीक है, सोर्स की नेट हीट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सोर्स से पहले कितनी नेट हीट, मतलब हीट ली गई है Q1 डैश, वो क्या आएगी हमारी Q1 डैश, ठीक है, माइनस में रिवर्सिबल वाली इंजन ने कितनी हीट वापस कर दी है सोर्स को, तो वो क्या है हमारी Q1, तो माइनस में क्या आ जाएगी Q1, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हमारी सोर्स की है और ये हमारी सिंक की है, ठीक है। हमने हमेशा पढ़ा है कि ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, किसी भी वजह से अगर हीट ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उतनी की उतनी ही वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा हमारे पास कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां से क्या निकलता है, मतलब सोर्स ने क्या किया, अपने पास जो हीट रखी है वो है Q1 डैश माइनस Q, ठीक है, और सिंक को रिटर्न भी कर दिया Q1 डैश माइनस Q1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसा इंजन बनाया है जो Q1 डैश माइनस Q1 हीट ले भी रहा है और वैसी ही वैसी हीट जाके सिंक को दे रहा है, हमको कुछ वर्क मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इंजन बना के क्या मतलब जिसमें हमको वर्क ही ना मिले, ठीक है, जितनी सोर्स से हीट ले रहे हैं उतनी हम सिंक को वापस कर दे रहे हैं, तो ऐसा इंजन हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा इंजन काम का नहीं है तो हमने जो स्टेटमेंट लेके चले थे कि इनरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी से ज्यादा होगी, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और इसी से प्रूव होता है कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी जो है कम होती है रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी, मतलब सबसे ज्यादा इफिशियंट इंजन हमारा कौन सा होता है, रिवर्सिबल इंजन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो हमारा थ्योरम था वो ये है जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। थैंक यू।